नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सत्यम कश्यप। आज बात करने जा रहा हूं कोराइजा की बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक मेडिसिन के बारे में। कोराइजा, जिसको हम आम भाषा में जुकाम या फिर निजला भी बोलते हैं, तो कोराइजा में होता क्या है कि जो हमारी नाक के अंदर की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें सूजन आ जाती है। सूजन आ जाने की वजह से इसके कोराइजा के सिम्टम्स देखने को मिलते हैं, जैसे कि छींके आना, आँखों से पानी का डिस्चार्ज होना, नाक से पानी का डिस्चार्ज होना और गला भी खराब हो सकता है। इसके कारण की तरफ बढ़े तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो जाता है या फिर हमारे अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक का इन्फेक्शन हो जाता है, यानी कि श्वसन तंत्र का इन्फेक्शन हो जाता है। कोल्ड या फिर सर्दी लगने की वजह से ऐसा हो सकता है या फिर हे फीवर की कंडीशन में ऐसा देखने को मिल सकता है। हे फीवर में क्या होता है कि वाटरी इची आइज होती हैं, यानी कि आंखों में खुजली मिलती है, आंखों से पानी का डिस्चार्ज होता है, छींकें बहुत ज़्यादा आती हैं और अन्य सिम्टम्स भी देखने को मिलते हैं। तो ये होते हैं कोराइजा या फिर नज़ले जुकाम के कारण। अब इसकी होम्योपैथी में बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक रेमेडी है, उसके बारे में जाने तो पहली रेमेडी के बारे में जाने तो वो है एलियम सिबा होम्योपैथिक मेडिसिन, जो कि रेड अनियन यानी कि प्याज से बनाई जाती है। इसके सिम्टम्स की तरफ बढ़े कि कब इसका इस्तेमाल किया जाता है, जब आंखों से पानी का डिस्चार्ज हो रहा हो एकदम पानी जैसा और नाक से भी पानी जैसा डिस्चार्ज हो रहा हो, तब एलियम सिबा होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इन्फ्लेमेशन हो जाती है जब हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन में नाक के अंदर, तब इसका इस्तेमाल किया जाता है। छींकें बहुत ज़्यादा आ रही हो, गला बहुत ज़्यादा खराब हो रहा हो, तो इस तरीके के लक्षण में एलियम सिबा होम्योपैथिक दवा बहुत अच्छा असर करती है। इसके साथ साथ अगर खांसी भी बनी हुई है, सर में भी दर्द बना हुआ है और हमारी जो म्यूकस मेम्ब्रेन है उसमें हाइपर सिक्रेशन हो रहा है, वाटर का डिस्चार्ज हो रहा है, तब एलियम सिबा बहुत ही अच्छा असर करती है। तो कोराइजा के केस में आप इसको ले सकते हैं। पोटेंसी के बारे में जाने तो 30 पोटेंसी में इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। हर 2 से 3 घंटे पर इसकी दवा की एक डोज आप ले सकते हैं। और गोलियों में ले रहे हैं, ग्लोब्यूल्स में ले रहे हैं, तो 4 गोली लेंगे, मुंह में डालकर चूस लेंगे उसको, और आधे घंटे का फर्क ज़रूर रखा जाता है होम्योपैथिक दवा जब भी ली जाती है। और अगर डाइल्यूशन में ले रहे हैं तो 2 बूंद इसकी जीभ पर आप ले सकते हैं। दूसरी बहुत ही अच्छी होम्योपैथिक दवा के बारे में जाने तो वो है पेंथोरम। ये इस दवा को मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि ये क्रॉनिक डिजीज़ में बहुत अच्छा असर करती है, यानी कि कोराइजा की जो कंडीशन है, नज़ले जुकाम वाली कंडीशन है, वो बहुत पुरानी हो गई है और ठीक नहीं हो रही है, तब इस दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। सिम्टम्स सेम हैं जैसे मैंने लास्ट मेडिसिन के बताए, जैसे कि वाटरी डिस्चार्ज होगा नोज से, हाइपर सिक्रीशन हो जाएगा हमारी म्यूकस मेम्ब्रेन का, छींकें बहुत ज़्यादा आएंगी, गला खराब रहेगा और कान में और नाक में पेशेंट को भरा हुआ फीलिंग होगा, यानी कि पेशेंट की आवाज़ भी ठीक तरीके से नहीं निकल पाएगी, कान में ठीक तरीके से उसको सुनाई नहीं देगा, नाक में भी और कान में पेशेंट को बहुत ज़्यादा भरा भरा फील होगा क्योंकि म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है इसमें, वाटरी म्यूकस बहुत ज़्यादा बनता है, तब पेंथोरम होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसकी भी आप 30 पोटेंसी में इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर एक्यूट वाली स्टेज है, यानी कि ज़्यादा समय से समस्या नहीं मिल रही आपको, तो एलियम सिबा का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बीमारी बहुत ही ज़्यादा पुरानी हो गई है तब पेंथोरम होम्योपैथिक दवा का इस्तेमाल किया जा सकता है। पोटेंसी 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार इस दवा को आप ले सकते हैं। तो ये कोराइजा की कुछ मैंने 2 होम्योपैथिक मेडिसिन आपको बताई, बहुत ही इफेक्टिव होम्योपैथिक मेडिसिन है। अगर आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने अपनी ईमेल आईडी दे दी है, वहाँ पर जाकर कंसल्ट भी कर सकते हैं। चैनल पर नए तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। कोई भी क्वेरी है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। जल्द मिलते हैं अगली एक नई वीडियो में। थैंक यू।